गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आज के टॉपिक के अंतर्गत हम व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल की प्रथम वर्ष की परीक्षा जो कि 22 मार्च 2021 को संपन्न हुई है इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में जानेंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर वन चिकनाई पंप या ऑयल पंप में क्या जाँच हो रही है तो ऑप्शन ए रेडियल क्लियरेंस ऑप्शन बी बैकलैस क्लियरेंस ऑप्शन सी सरफेस ऑप्शन डी गहराई तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बैकलेस क्लियरेंस की चेकिंग हो रही है इसमें ये क्लियरेंस चेकिंग हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन पिस्टन हेड का क्या नाम है ऑप्शन ए फ्लैट हेड ऑप्शन बी डोम्ड हेड ऑप्शन सी कॉन्केव हेड ऑप्शन डी इरेगुलेटर हेड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डोम्ड हेड नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे डीजल इंजन में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है ऑप्शन ए बाई प्लंजर ऑप्शन बी बाई कंट्रोल स्लीव ऑप्शन सी बाय कंट्रोल रेक ऑप्शन डी बाई इंजेक्शन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाई कंट्रोल रेक नेक्स्ट क्वेश्चन सी आर डी आई डीजल इंजन पंप कितना दबाव विकसित करता है ऑप्शन ए सौ से दो सौ बार ऑप्शन बी दो सौ से छः सौ बार ऑप्शन सी छः सौ से एक हज़ार बार और ऑप्शन डी हज़ार से सोलह सौ बार तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हज़ार से सोलह सौ बार नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कौन सी ईंधन गुणवत्ता डीजल की जलती हुई संपत्ति का निर्धारण करती है ऑप्शन ए वॉल्टिलिटी, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी सीटेन नंबर ऑप्शन डी ऑक्टेन नंबर तो डीजल की गुणवत्ता जो निर्धारित करता है वो सीटेन नंबर करता है और पेट्रोल की जो निर्धारित करता है वो है ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर तो यहाँ डीजल की पूछी जा रही है तो इसका ऑप्शन सी सीटेन नंबर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गुणवत्ता पेट्रोल की जलती हुई विशेषता का निर्धारण करती है तो ये ऑप्शन ए वॉल्टिलिटी ऑप्शन बी ऑप्शन सी सीटेन नंबर और ऑप्शन डी ऑक्टेन नंबर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्टेन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन तेल पंप किस भाग से चलता है यानी ऑयल पंप किस भाग से ड्राइव लेता है ऑप्शन ए क्रैंक साफ्ट ऑप्शन बी केम साफ्ट ऑप्शन सी क्रैंक पुली और ऑप्शन डी टाइमिंग गियर्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केम साफ्ट द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ऑप्शन ए वाल्व डोर कवर ऑप्शन बी सिलेंडर हेड, ऑप्शन सी इंजन ब्लॉक और ऑप्शन डी ऑयल पीन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलेंडर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रैंकॉट जर्नल के रन आउट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए टेलीस्कोपिक गेज ऑप्शन बी डायल टेस्ट इंडिकेटर ऑप्शन सी बो डायल गेज और ऑप्शन डी वर्नियर गेज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायल टेस्ट इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोमीटर के फ्लोटिंग स्तर से बैटरी चार्ज दर क्या बताती है इस क्षेत्र में देखिए बैटरी चार्ज की दर है वन पॉइंट जहाँ पर इसका फ्लोटिंग है वहाँ पर वन पॉइंट पॉइंट थ्री जीरो जीरो है जबकि बैटरी फुल चार्ज जो रहती है उसका होता है बारह सौ यानी वन पॉइंट टू सिक्स ज़ीरो से वन पॉइंट एट ज़ीरो तक तो इसका मतलब ये ऑप्शन में डिस्चार्ज वन बाई फोर चार्ज वन बाई टू चार्ज और फुली चार्ज में ऑप्शन डी फुली चार्ज सही है नेक्स्ट क्वेश्चन एंपियर वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए वाट मीटर ऑप्शन बी एनर्जी मीटर ऑप्शन सी गलवान मीटर ऑप्शन डी मल्टीमीटर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मल्टीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन वाहन सेवा स्टेशन में वाहन वास के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग उप किया जाता है ऑप्शन ए होस्ट ऑप्शन बी क्रैंक ऑप्शन सी क्रेन ऑप्शन बी क्रेन ऑप्शन सी स्टैंड और ऑप्शन डी स्क्रू जैक तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए होइस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बारह वोल्ट बैटरी में कितने सेल होते हैं ऑप्शन ए दो, दो सेल ऑप्शन बी छः सेल ऑप्शन सी नौ सेल और ऑप्शन डी बारह सेल एक सेल दो वोल्ट का होता है इसलिए बारह वोल्ट में छः सेल होंगे इसलिए ऑप्शन बी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र में दर्शाए गए इंडिकेटर का क्या नाम है टेम्परेचर वार्निंग ऑयल लेवल या ऑयल प्रेशर वार्निंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वार्निंग या ट्रांसमिशन वार्निंग तो इसका ऑप्शन बी ऑयल लेवल या ऑयल प्रेशर वार्निंग सही है नेक्स्ट क्वेश्चन टूल का क्या नाम है दिए गए चित्र में देखिए टूल ऑप्शन ए टॉर्क रेंच ऑप्शन बी पिस्टन रिंग कंप्रेसर ऑप्शन सी पिस्टन रिंग एक्सपेंडर ऑप्शन डी सर्किल प्लायर चित्र के अनुसार ये रिंग एक्सपेंडर यानी ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जांच का नाम क्या है ये देखिए फिर ऑयल पंप आ गया और ऑयल पंप में अब दूसरी जांच हो रही पहले वाला जो आया था उसमें बैकलेस की जांच हो रही थी इसमें देखिए सरफेस ऑप्शन ए सरफेस चेकिंग ऑप्शन बी बैकलेस चेकिंग और ऑप्शन सी डेप्थ चेकिंग तो इसका आंसर ऑप्शन सी डेप्थ चेकिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन कम्यूटेटर के रन आउट की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए क्रोलर ऑप्शन बी मल्टीमीटर ऑप्शन सी गेज ऑप्शन डी वर्नियर कैलीपर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गेज नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न ऑपरेशन का क्या नाम है ऑप्शन ए ड्रिलिंग ऑप्शन बी टैपिंग ऑप्शन सी डाइंग और ऑप्शन डी रिमिंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न सर्किट का क्या नाम है जो चित्र में दर्शाया गया है देखिए इसमें ऑप्शन है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट क्लोज सर्किट और पैरेलल सर्किट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओपन सर्किट या खुला परिपथ नेक्स्ट क्वेश्चन कलकत्ता में पहली कार कब चली 1810, 1887, 1910 और 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अठारह आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर समझ में आए होंगे 十年了。<music>